नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पल्लवी राय, यूट्यूब चैनल भारत एक नई सोच से। दोस्तों, जैसा कि हमें पता है कि कोरोना वायरस का कहर जो है वो काफी देशों पर बड़ी तेजी से पड़ रहा है। भारत भी इससे छूटा नहीं है। कई विकसित देश जो अब इस संकट से जूझ जूझ कर इनकी कमर टूट गई है। दोस्तों, अब भारत की बारी है, भारत को लड़ना है। दोस्तों, जैसे ही भारत में कोरोना वायरस का पहला केस देखा गया, तब से जो है कई सतर्कता बरतने की बात की गई, लेकिन हालांकि कुछ पहले ढीला देखने को मिली, कुछ ढीलापन जो है वो सरकार में देखने को मिला। लेकिन अब जब से कोरोना वायरस पर हमने काम करना शुरू किया है, तब से हम बचने के कई एहतियात बरत रहे हैं, और एक एहतियात आपको भी बरतना चाहिए। वो एहतियात क्या है? वो एहतियात ये है कि अगर आप नकदी के लेन देन करते हैं, यानी कि आप जो है कैश पैसे से अपना काम चलाते हैं, तो आपको अब जितना कम हो सके उतना कैश पैसे का इस्तेमाल करना चाहिए। और जितनी बार आप कैश पैसे को छूते हैं, उतनी बार आपको ज़रूर हैंड वॉश करना चाहिए। इसका कारण ये है कि जो नकदी होती है, जो नोट होता है, जैसा कि हमें पता है, सबसे पहले ये जानिए कि जैसा कि हमें पता है कि कोरोना वायरस जो है वो वायुमंडल में नहीं घूम रहा है। जब किसी कोरोना वायरस शख्स, यानी कि कोरोना से ग्रसित शख्स जब खांसता है, तो उसके जो खांसी के जो छोटे छोटे टुकड़े, यानी कि प्लेट्स बोलते हैं, वो जब गिरते हैं उस नोट पर, तब वो नोट जो है वो कोरोना वायरस से संक्रमित हो जाता है। और जब उस नोट को कोई शख्स छू लेता है, तब तक भी आप बचे रह सकते हैं जब तक आपने उस नोट को छुआ है। लेकिन अगर आप उस नोट को छूने के बाद गलती से भी अपने आँख, कान, नाक, मुँह को छू देते हैं, तब ये प्लेट्स जो हैं, या ये जो कोरोना वायरस के विषाणु हैं, वो आपके शरीर में जाते हैं और धीरे धीरे आपको बीमार बना देते हैं। ऐसे में WHO ने भी ये कहा है कि अधिक नकदी का इस्तेमाल ना करें, संभव हो सके तो जो है ट्रांजैक्शन जो है वो डिजिटल करें, यानी कि डिजिटल मीडिया के माध्यम से आप ट्रांजैक्शन करें, नकदी का इस्तेमाल कम करें। इसका कारण यही है कि नोट जो है वो कई हाथों में जाते हैं और उन हाथों से वापस आते हैं। ऐसे में ये नहीं कहा जा सकता कि जो नोट हैं वो जीवाणु रहित होंगे। इसको लेकर कई गाइडलाइन बनाए जा चुके हैं और WHO ने भी कई चीज़ों पर ध्यान दिया है। कागज़ से बने नोट जो है वो वायरस रहित हों, ऐसा ज़रूरी नहीं। लेन देन जब होता है नोट का, तब इसमें दो लोगों का संपर्क होना ज़रूरी है, और ऐसे में दो लोगों का इस समय संपर्क ना हो तो ज़्यादा ज़रूरी है। यानी कि अगर आप नकदी का लेन देन करते हैं, तो दो शख्सों से मिलना ज़रूरी है, और ऐसे में अगर आप दो शख्सों से नहीं मिलते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। तो इन्होंने कहा है कि नकदी का लेन देन बंद करें, जो है आप ट्रांजेक्शन करें, डिजिटल ट्रांजेक्शन करें। और इसके अलावा चीन और अमेरिका जो है अब नोटों की सफाई करने की कोशिश में लगा है। चीन ने कई समय पहले से ही नोटों की साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया है। वो जो है अल्ट्रावायलेट किरणों से जो है नोटों पर गिराता है, जिससे नोट जो है जीवाणु रहित हो जाते हैं। फिर इन नोटों को 14 दिन तक पैक करके रख दिया जाता है, और 14 दिन बाद जीवाणु नहीं रहते हैं जब जो नोटों में, तब इन्हें बांटा जाता है। यानी कि यही कि नोटों की सफाई अब चीन और अमेरिका में शुरू हो गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी कहा है कि हाथों को बार बार धोएं, और जब नोटों को छुएं तब जरूर धोएं। पैसे और सिक्के को छूने की कोशिश ना करें, और अगर आपने छुआ है तो बार बार आँख का नाक ना छुएं। इस तरह की बात जो है WHO ने की है। हमारी भी विशेष सलाह आपसे यही है कि अगर आप कैश पैसा छूते हैं, यानी कि नोट और सिक्के को छूते हैं, तो आपको ज़रूर हाथ धोने चाहिए, क्योंकि जो है हमें पता है कि कोरोना वायरस के जो विषाणु हैं, या कोरोना वायरस है, वो नोटों और सिक्कों पर कम से कम 8 घंटे तक जीवित रह सकता है। ऐसे में अगर आपने किसी ऐसे नोट को छू लिया है जिस पर कोरोना वायरस के जो COVID-19 के विषाणु है, तो आपके शरीर में वो जा सकते हैं अगर आपने एहतियात नहीं बरता है। तो अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है डिजिटल ट्रांजेक्शन का, तो अगर आप नोट को छू रहे हैं, तो ये विशेष ध्यान दें कि आपको अपने चेहरे पर हार्ड टच नहीं करना है। आगे वीडियो कैसा लगा है ये आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं, और हमें ये ज़रूर बताएं कि हम किस टॉपिक पर दूसरा वीडियो बनाएं। धन्यवाद।